फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिसर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी सो आपका ये जो है लेडी इस चैप्टर के ऑथर यानी कि इस चैप्टर के राइटर का नाम क्या है सो so राइटर का जो नाम है वो हर एक चैप्टर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सो so आप लोगों को हर एक चैप्टर के राइटर का नाम जरूर याद करना है सो so सबसे पहले हम ऑप्शन को चेक करेंगे उसके बाद हम एंसर को देखेंगे सो so पहला ऑप्शन है रुस्किन बॉन्ड

यानी कि ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो कैसी दिखती थी सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ओल्ड फैट लॉन्ग सेकेंड ऑप्शन इज लॉन्ग फैट स्लाइंटली बेंट। थर्ड ऑप्शन इज ओल्ड शॉर्ट स्लाइंटली बेंट एंड फैट एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्लाइंटली बेंट एंड फैट सो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज ओल्ड शॉर्ट स्लाइंटली बैंड एंड फैट यानी कि ऑथर की के जो ग्रैंड मदर थी वो बूढ़ी थी शॉर्ट यानी कि थोड़ी नाटी थी स्लाइटली यानी कि थोड़ी झुकी हुई रहती थी और फैट थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पेरेंट्स थे वे ऑथर को कब उनकी ग्रैंड मदर के पास छोड़ के जाते हैं सो द फर्स्ट ऑप्शन इज वेन ही

So, जैसे कि कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो मदर थी वो ऑथर के साथ उनको स्कूल छोड़ने जाती थी और स्कूल के सामने जो टेंपल अटैच रहता था वहां पे वो जाती थी सो so, आखिर ग्रैंड मदर डेली डेली टेंपल में क्या करती थी सो द फर्स्ट ऑप्शन इज मेडिटेशन सेकेंड ऑप्शन इज रीड स्क्रिप्चर्स

यानी कि जब ऑथर बड़े हो जाते हैं तब सेकंड ऑप्शन है वेन हिज पेरेंट्स कॉल both बोथ टू city यानी कि जब ऑथर के पेरेंट्स दोनों को ही ऑथर को और ऑथर के ग्रैंड मदर को सिटी यानी कि शहर में बुला लेते हैं थर्ड ऑप्शन इज when he left her to live in the city with his parents यानी कि जब ऑथर अपनी ग्रैंड मदर को गांव में छोड़ के अपने पेरेंट्स के साथ रहने शहर में चले जाते हैं तब एंड लास्ट ऑप्शन इज when they stop talking यानी कि जब ग्रैंड मदर एंड ऑथर एक दूसरे के साथ बात करना बंद कर देते हैं सो so इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्हिच इज when his parents call them both to the city यानी कि जब ऑथर के पेरेंट्स दोनों को ही शहर में बुला लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12

वट मेक द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल यानी कि ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो किस लिए अनहैप्पी थी ऑथर के न्यू इंग्लिश स्कूल को लेकर सब पहला ऑप्शन है द फैक्ट दैट शी कुर हेल्प हिम विद द लेसन सेकेंड ऑप्शन इज बिकॉज दे वेर इन सिटी थर्ड ऑप्शन इज बिकॉज शी डिडेंट अंडरस्टैंड इंग्लिश

सो ऑथर की ग्रैंड मदर को म्यूजिक क्यों पसंद नहीं था सो पहला ऑप्शन है इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हल लॉर्ड्स एंड बेगर्स एंड नॉट फॉर जेंटल ऑप्शन है लाइक ओनली रिलीजियस प्रेयर थर्ड ऑप्शन है सी लाइक द ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक एंड फोर्थ ऑप्शन है सी थॉट इट वुड डिस्ट्रैक्ट हिम फ्रॉम स्टडीज सो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन विच इज इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हर लॉर्ड्स एंड बेगर्स एंड नॉट फॉर जेंटल फोक यानी कि गाना गाना म्यूजिक बजाना ये सब काम सिर्फ और सिर्फ एंड बेगर्स का होता है और जेंटल फॉक यानी कि अच्छे घर के बच्चे ये सब कुछ नहीं करते हैं सो so, इसीलिए ग्रैंड मदर को म्यूजिक पसंद नहीं था नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी यानी कि शहर में ग्रैंड मदर अपने टाइम को किस तरीके से बिताती थी सो so, पहला ऑप्शन है फीडिंग डॉग्स यानी कि डॉग्स को खाना देकर सेकेंड ऑप्शन है रीडिंग स्क्रप्चर्स थर्ड ऑप्शन है स्पिनिंग द व्हील एंड फोर्थ ऑप्शन है टॉकिंग टू सो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज स्पिनिंग द व्हील नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे यानी कि ग्रैंड मदर अपना आफ्टरनून का टाइम दोपहर का टाइम किस तरीके से बिताती थी हर रोज सो so, पहला ऑप्शन है बाई फीडिंग हंड्रेड ऑफ स्पेरोकेंड ऑप्शन है बाई टेकिंग नैप

साल के लिए अब्रॉड पढ़ने चले जाते हैं सो so, पहला ऑप्शन है ग्रैंड मदर हिज गुड बाई ऑप्शन है नो वन केम टू सी हिम थर्ड ऑप्शन है ग्रैंड मदर मोव्ड बैक टू विलेज एंड फोर्थ ऑप्शन है पेरेंट्स मूव्ड विथ हिम सो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन विच इज ग्रैंड मदर बिट गुड बाय बाई साइलेंटली किसिंग हिस्सोड यानी कि जब ऑथर अब्रॉड जाते हैं तो ग्रैंड मदर उन्हें छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आती है एंड रेलवे स्टेशन में उन्हें गुड बाय बोलती है और उनके फोर हेड में साइलेंटली किस करती है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट चेंज केम इन द इवनिंग सैडविल यानी कि ग्रैंड मदर का जो इवनिंग का शेड्यूल था उसमें ऑथर को एंड उनके पेरेंट्स को क्या चेंज क्या बदलाव दिखाई देता है सो बेसिकली ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो इवनिंग के टाइम में प्रेयर्स करती थी बट ऑथर को एंड उनके पेरेंट्स को कुछ चेंज देखने को मिलता है ग्रैंड मदर के इवनिंग सेडूल में सो so, उनको क्या चेंज देखने को मिलता है सो so, पहला ऑप्शन है द दूमन ऑफ द नेबरहुड सेकेंड ऑप्शन है

नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वट है ग्रेंड मदर डिडेंट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि क्या होता है जब ऑथर के ग्रैंड मदर फर्स्ट टाइम पहली बार प्रेयर्स नहीं करती है सो पहला ऑप्शन है क्स्ट डे यानी कि दूसरे ही दिन वह बीमार पड़ जाती है सेकेंड ऑप्शन है सी मेट दिस हर रूटीन थर्ड ऑप्शन है सी टू का ब्रेक एंड वेंट टू दिलेज एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दाइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन विच इज सी फेल इन द नेक्स्ट डे यानी कि अगले ही दिन वो बीमार हो जाती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इज हाउ डिज द ग्रैंड मदर रियक्ट टू हर इन्नेस यानी कि ऑथर की ग्रैंड मदर अपने इननेस को लेकर किस तरीके से रिएक्ट करती है यानी कि ऑथर की ग्रैंड मदर का जब तबीयत खराब हुआ सो उन्होंने अपना जो बुखार था उसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट किया सो पहला ऑप्शन है से सेट हर एंड वॉज नियर यानी कि उनका मानना यह था कि उनका जो अंतिम टाइम है वो बहुत ज्यादा सामने आ गया है यानी कि उनका जो डेथ है वो बहुत ज्यादा नज़दीक आ गया है सेकेंड ऑप्शन है से इग्नोर हर हेल्थ थर्ड ऑप्शन है केयर एंड फोर्थ ऑप्शन ऑप्शन है एडमिटेड टू द हॉस्पिटल सो इसका राइट right आंसर हो जाएगा नंबर अपने फाइनल आवर्स में यानी कि अपना जो अंतिम टाइम था जो लास्ट के कुछ घंटे बचे हुए थे उनके डेथ से पहले सो so उस टाइम में वो क्या करती है सो so, पहला ऑप्शन है टॉक टू एवरी वन इन द हाउस यानी कि घर में सबके साथ बात करती है सेकेंड ऑप्शन है वेरिड अबाउट एवरी वन यानी कि सबके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करती है थर्ड ऑप्शन है साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स यानी कि बहुत ही धीरे धीरे से प्रेयर्स करती है भगवान का नाम लेती है और उनके जो बिट्स उनका जो जाप करने वाला माला था उसको फेरती रहती है एंड लास्ट ऑप्शन है वेन टू द टेम्पल यानी कि मंदिर में जाती है तो so इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज साइलेंटली प्रेयरिंग and telling her beads. Now the next question is question number twenty two. How did the grandmother die? यानी कि author की ki grandmother किस तरीके से मर जाती है? So पहला option है during telling beads lying on the bed. यानी कि जब वो अपने bed में जो beads है जो मोतिया है उसको फेर रही थी उसी दौरान उनकी मौत हो जाती है. Second option है in the hospital hospital में उनका death होता है. थर्ड ऑप्शन है वाइल्ड स्लीपिंग जब वो सोती है तब उनका डेथ होता है लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द सो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन इज ड्यूरिंग टेलिंग बेट स्लाइंग ऑन द बेड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर हाउ डिड द द एक्सप्रेस देयर देयर एट डेथ ऑफ ग्रैंड मदर यानी कि जो स्पेरोज थे जो चिड़िया थी जिनको ग्रैंड मदर फीड करती थी सो so वे लोग अपने सौरो अपने दुख को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं जब ऑथर की ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है बरंडा यानी किसी स्पेरोज थे वे लोग उस दिन आते हैं ऑथर के घर में और उनके बरंडा में साइलेंटली बैठ जाते हैं सो so इस तरीके से वे लोग अपने सौरों यानी कि अपने दुख को एक्सप्रेस कर रहे थे एंड इवन की जो मदर थी जब वो स्पैरोस को कुछ ब्रेड के टुकड़े देती है, जिस तरीके से ग्रैंड मदर दिया करती थी सो so वो सारे जो स्पैरोस थे वो ब्रेड के टुकड़े को छूती तक नहीं है सो so इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो स्पैरोस थे वे लोग भी बहुत ज्यादा दुखी थे ग्रैंड मदर के मौत की वजह से ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है जब ऑथर एंड उनके जो पेरेंट्स थे वे ग्रैंड मदर के कॉर्प्स यानी की ग्रैंड मदर का जो मृत शरीर था उसको ले जाते हैं सो पहला ऑप्शन है नेवर्स विजिटेड सेकेंड ऑप्शन है दे मॉन्ट हेथ इन हर रूम थर्ड ऑप्शन 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 है Birds flew away quietly. है एंड फोर्थ सो सो इसका राइट right आंसर हो जाएगा नंबर सी so, जब के बॉडी को उनके घर से ले जाया जाता है सो so, जितने भी बर्ड्स जो आए थे जो कि अपने स्वरों अपने दुख को एक्सप्रेस कर रहे थे वे लोग साइलेंटली वहां से चले जाते हैं नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन ऑफ द ग्रैंड मदर इन चैप्टर यानी कि चैप्टर में ग्रैंड मदर का जो कैरेक्टर था वो कैसा था सो so पहला ऑप्शन है इमोशनल सेकंड ऑप्शन है स्ट्रांग, थर्ड ऑप्शन है सेल्फलेस एंड फोर्थ ऑप्शन है लविंग सो so इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज स्ट्रांग। सो चैप्टर में ग्रैंड मदर का जो कैरेक्टर था वो एक बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर था सो so, आप कैसे कह सकते हो कि चैप्टर में ग्रैंड मदर का जो कैरेक्टर था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था सो so, इसका हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे कि पहला एग्जाम्पल है जब ऑथर अपनी पढ़ाई करने के लिए पाँच सालों के लिए अब्रॉड जाते हैं सो so, उस टाइम में ऑथर को लगता है कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगी बट ऐसा नहीं होता है ग्रैंड मदर जो थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी एंड इवन वो ऑथर को गुड बाय बोलने के लिए रेलवे स्टेशन आती है एंड जब ऑथर जा रहे होते

से प्रियर्स के साथ उनका होता है। है so इससे हमें पता चलता है कि जो ऑथर की मदर थी वो ना ही इमोशनल थी सिक्स वेयर वॉज द्रैंड फादर पोर्ट्रेट प्लेस यानी कि ऑथर के ग्रैंड का जो पोर्ट्रेट जो तस्वीर था वो कहाँ पे प्लेस किया गया था यानी कि किस जगह पे ऑथर के ग्रैंडफादर का पिक्चर था सो so, पहला ऑप्शन है ऑन द सेल्फ दूसरा ऑप्शन है हैंग अब द मेंटल पीस थर्ड ऑप्शन है पुट ऑन द मेंटल पीस एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑन अ टेबल सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज हैंग अब द मेंटल पीस मेंटल पीस के ऊपर में ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट था वो टंगा हुआ था जो कि ड्राइंग रूम में था नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी डि दू लर्न दस डेट हिस्स यानी कि जब ऑथर की ग्रैंड मदर सुबह सुबह मॉर्निंग प्रेयर्स को रिसाइट करती थी सो so क्या ऑथर उन मॉर्निंग प्रेयर्स को लर्न करते थे क्या ऑथर परवाह करते थे कि वो उन मॉर्निंग प्रेयर्स को लर्न करे सो so पहला ऑप्शन है यस yes. दूसरा ऑप्शन है बट नॉट टू लर्न

यानी ग्रैंड मदर एंड ऑथर के बीच में जो एक कॉमन लिंक था उनकी फ्रेंडशिप का वो कब उनसे छीन जाता है सो so, पहला ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है यूनिवर्सिटी दे वर गिवन सेपरेट रूम्स यानी कि जब ऑथर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं ग्रैंड मदर एंड ऑथर का सेपरेट रूम हो जाता है थर्ड ऑप्शन है

हर रिएक्शन ही केम बैक आफ्टर फाइव स सो जब ऑथर पांच साल अब्रॉड में पढ़ने के बाद घर वापस आते हैं सो so, उस टाइम में ग्रैंड मदर का कैसा रिएक्शन होता है सो so, पहला ऑप्शन है ओवरवेल सेकेंड ऑप्शन है क्लैप्स द ऑथर इन हर आर्म्स एंड सेट प्रेयर्स थर्ड ऑप्शन है हैप्पी एंड फोर्थ ऑप्शन है सेंटीमेंटल सो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्हिच इज क्लैप्स द ऑथर इन हर आर्म्स एंड सेट प्रेयर्स यानी कि जब ऑथर पांच साल के बाद अब्रॉड से वापस आते हैं सो उनकी ग्रैंड मदर उनको बाहों में लेती है उनको हक करती है और ऑथर जब अपनी ग्रैंड मदर को हक करते हैं देन उन्हें प्रेयर सुनाई देने को मिलता है क्योंकि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो हर टाइम प्रेयर से बोलती रहती थी सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड ऑल द इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर सो आई होप की आपको आज का

लगा और साथ ही अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए देन उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं सो नाउ सी यू ऑल सून नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय-बाय एंड स्टे ट्यून विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो